श्रीमद् भगवद गीता परिचय। कुरुक्षेत्र का विस्तृत युद्ध स्थल, आमने सामने थी कौरव और पांडवों की अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित विराट सेनाएं, जिनका नेतृत्व कर रहे थे युद्ध कला में प्रवीण अनेक महारथी। सैन्य दल रह रहकर अपने वीरोचित समवेत उद्घोष के निनाद से गगन मंडल को कंपित कर रहे थे। परीक्षा की उस घड़ी में अर्जुन के मन में युद्ध की विरक्ति से भरे न जाने कौन से भाव उत्पन्न हुए कि उन्होंने श्री कृष्ण के समक्ष क्षमा याचना करते हुए ये कहकर आत्मसमर्पण कर दिया कि वे अपने ही स्वजनों बंधु बांधवों से युद्ध करने में असमर्थ हैं। बल प्रधान क्षात्र धर्म से अर्जुन सीधे कार्पण्य भाव कायरता दोष में पहुंच गए थे। उनका क्षात्र भाव लुप्त हो गया था। असमंजस के उन पलों में अर्जुन को सूझ ही नहीं रहा था कि वो युद्ध करें अथवा वैराग्य ले लें। अर्जुन ने अपना धनुष और तरकश भूमि पर डाल दिया। अंतर्यामी श्री कृष्ण जान चुके थे कि आचार्य द्रोण के प्रतापी शिष्य तथा धरा के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी का मनोबल खंडित हो चुका है। ऐसे में कृष्ण के समक्ष एक कर्तव्य आ खड़ा हुआ, गुरु का। अतएव तर्क, बुद्धि, ज्ञान और कर्म की चर्चा से तथा विश्व के स्वभाव की जानकारी देकर और अंत में सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के विराट स्वरूप का साक्षात दर्शन कराकर कर्तव्य पथ से भटके अर्जुन के मन रूपी अश्व की रास खींचकर उसे क्षात्र धर्म की ओर उन्मुख करना ही महायोगी कृष्ण का एकमात्र लक्ष्य था। कुरुक्षेत्र के रण प्रांगण में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही श्रीमद् भगवद् गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तत्व ज्ञान के वर्णन की भव्य और मुग्धकारी काव्य शैली गीता का निजी सौरभ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा भगवद गीता, अर्थात भगवान का गाया हुआ ज्ञान। ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। इसमें 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक हैं। गीता विचारों की, ज्ञान की सतत प्रवाहमती मंदाकिनी है, जो हमारी संस्कृति को युगों युगों से अपने पावन जल से सिंचित करती आ रही है। गीता का ज्ञान सिंधु इतना विराट और गहरा है कि जितना ही हम गहरे उतरेंगे, ज्ञान के उतने ही अनमोल मोती हमें प्राप्त होंगे। केवल भारत ही नहीं, बल्कि समस्त संसार के दार्शनिकों, चिंतकों, धर्माचार्यों और साहित्यकारों को गीता की विचार संपदा ने प्रभावित किया है। दुनिया की अनगिनत भाषाओं में अनुवाद हुआ है श्रीमद् भगवद् गीता का। हमारे समय के अनेक सुविख्यात कलाकारों और दार्शनिकों के जीवन पर गीता का गहरा प्रभाव पड़ा है। इनमें शामिल हैं डॉक्टर हम्बोल्ट, रोमा रोला और आयरलैंड के प्रसिद्ध कवि ए.ई. ऋषितुल्य इमर्सन की गीता के प्रति ऐसी अगाध श्रद्धा थी कि वे हर समय अपनी मेज पर गीता की एक प्रति रखते थे। उन्होंने गीता का विचार साम्राज्य कहकर अभिनंदन किया है। श्लेगल ने इसे ईश्वरीय कहा है। काउंट काइजरलिंग के अनुसार विश्व साहित्य में इससे बढ़कर कोई दूसरी दार्शनिक कविता शायद नहीं है। विदेशी विचारकों में सर चार्ल्स विल्कंस, श्लेगल, डब्ल्यू फॉन हम्बोल्ट, गैलेनॉस तथा एडविन आर्नल्ड का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर एनी बेसेंट का लय युक्त अंग्रेजी अनुवाद 1895 में प्रकाशित हुआ था। विख्यात विद्वान डॉक्टर भंडारकर ने भी गीता पर अपने विचार प्रकट किए हैं। महर्षि औरबिंदो घोष ने एसेज ऑन गीता नामक कृति की रचना की तो लोकमान्य तिलक ने कारागृह में लिखी सुप्रसिद्ध कृति गीता रहस्य। महात्मा गांधी तथा विश्व विख्यात विद्वान और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का टिप्पणी युक्त अनुवाद भी प्रसिद्ध है। अंतः साक्षात्कार पाने के कई मार्ग हैं, जैसे ध्यान, ज्ञान, कर्म, प्रेम और भक्ति। अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी ग्रंथ या महात्मा
अपने ही मार्ग को श्रेष्ठ बताकर उसका ही अनुसरण करने की प्रेरणा देते हैं। गीता इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इसमें कृष्ण ने सभी मार्गों का उल्लेख किया है, ताकि हर मनुष्य अपनी समझ और स्वभाव के अनुसार अपने पथ का चयन कर सके और अंत में वो प्रत्येक मार्ग की अच्छाइयों और उनकी उपलब्धियों की निधि पा जाए। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को नई दृष्टि देकर कर्तव्य बोध कराया। कृष्ण द्वारा प्रदत्त नई दृष्टि पाकर अर्जुन का मोहाच्छादित अंधकार समाप्त हो गया। जीवन और प्रेम के उस प्रणेता के समक्ष न कोई छोटा था न कोई बड़ा। चाहे वो विशेष अधिकार संपन्न व्यक्ति हो अथवा पद दलित मानव, सबके लिए उसका एक ही संदेश है, तुम ईश्वर की संतान हो, उसी का अंश हो और अंत में उसी में विलीन भी हो जाओगे, फिर तुम प्रेम के मार्ग से क्यों भटक जाते हो। एक बार एक गणिका श्री कृष्ण के पास गई। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उसने उनके चरण कमल को चूम लिया। राज दरबार में उपस्थित बड़े बड़े राजा महाराजा ये दृश्य देखकर क्रोधित हो उठे और श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि उन्होंने इस पतिता को अपना यह अपमान करने क्यों दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, इसे कुछ मत कहो, ये तुमसे अधिक जानती है, क्योंकि इसके पास प्रेम और श्रद्धा है। गीता की शिक्षा के अनुसार सच्चा व्यक्ति वही है जो सदाचार का जीवन व्यतीत करता है, जो प्रत्येक कार्य आत्मा में लीन होकर करता है तथा आत्मा का अनुसरण करता है, न कि वो जो केवल मंत्रों का जाप या श्लोकों का पाठ करता है। गीता एक ऐसे धर्म की प्राण प्रतिष्ठा करती है जिसमें पूर्व और पश्चिम की सीमाएं नहीं है, उसमें धर्म रंग और जाति का भेदभाव नहीं है। यह सत्य और आत्मज्ञान का धर्म है, यह आत्मा को समर्पित किए हुए कर्मों का धर्म है, यह प्रेम का धर्म है। गीता मनुष्य को परम पुरुष के समान पुण्यता प्राप्त करना सिखाती है। गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार समस्त अहंकार और समस्त भेदभाव पर विजय प्राप्त की जा सकती है। गीता वास्तव में समस्त विश्व का धर्म ग्रंथ है। इसका संदेश सभी जातियों और धर्मों के नर नारियों के लिए है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को शांति तब तक नहीं मिलती जब तक वो ईश्वर जैसा न बन जाए, या कहें ईश्वर ही न हो जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयत्न ही मनुष्य के आत्म साक्षात्कार के साधन बन जाते हैं और ये आत्म साक्षात्कार ही गीता का मुख्य विचार है। गीता का उद्देश्य है मनुष्य को आत्म साक्षात्कार का सबसे उत्तम मार्ग बतलाना। श्री कृष्ण के अनुसार जैसे एक ही आकाश पूरे संसार को धारण किए हुए है, ठीक वैसे एक ही आत्मा इस पूरे संसार में व्याप्त है, जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर विराजमान है। इस आत्मा से साक्षात्कार होना ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का कोई भी संबंध बाहरी आडंबरों से नहीं है। शायद यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने जिस जिस स्थान पर मैं, मेरे अथवा मुझ वसुदेव या मेरी पूजा करें ऐसा कहा है, उसे पढ़कर लोग श्री कृष्ण को अहंकारी मानने लगे। सच तो यह है कि श्री कृष्ण को अहंकारी मानने वाले गीता का पूरा मर्म नहीं समझ पाते और जाने समझे बगैर गीता की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति कृष्ण की पूजा में ही लीन हो जाते हैं। वे कृष्ण के मंदिर जाते हैं, कृष्ण लीला में भाग लेते हैं या फिर कृष्ण जन्माष्टमी जैसे उत्सव मनाने लग जाते हैं। दोनों ही तरह के व्यक्ति गीता का सार समझने में त्रुटि कर जाते हैं। श्री कृष्ण जब मैं कहते हैं तो उसका तात्पर्य उस आत्मा से है जो पूरे जगत को धारण किए हुए है तथा जो प्रत्येक मनुष्य में विराजमान है। उस आत्मा की खोज को ही कृष्ण कहते हैं मेरी खोज, और उस आत्मा की भक्ति में लीन होने को कहते हैं मेरी भक्ति में लीन होना। वस्तुतः
कृष्ण ने आत्मा को तत्व से जाना है और उसे जानकर ही वो परम आत्मा है। इसी कारण कुछ लोग गीता को परमात्मा का कथन मानते हैं, भगवान की वाणी मानते हैं, क्योंकि जिसने भी अपने भीतर स्थित आत्मा को तत्व से जान लिया वही ईश्वर हो गया और उसकी वाणी परमात्मा की वाणी। गीता इसीलिए ईश्वर की वाणी है और इसीलिए श्री कृष्ण का मैं न तो अहंकारी है न स्वयं उस श्री कृष्ण के लिए है जिसने शरीर धारण किया है, बल्कि इस मैं का संबोधन बोध कराता है मेरी भक्ति में लीन होने के लिए, उस आत्मा की भक्ति में लीन होने के लिए जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर उपस्थित है और जिसे तत्व की सहायता से जानकर हम स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण को अपने भीतर विराजित कर सकते हैं। उसके पूर्व किसी तरह के मोक्ष की संभावना नहीं है। ईश्वर बने बिना मनुष्य की मुक्ति नहीं है। श्री कृष्ण की ये गीता वास्तव में मनुष्य के परमात्मा, ईश्वर या सच्चिदानंद बनने की राह में आने वाली बाधाओं की चर्चा है, जिन्हें दूर कर मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान सकता है। श्री कृष्ण ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रांतिकारी वचन कहे हैं, जो समस्त प्राचीन मान्यताओं तथा व्याख्याओं का भ्रम तोड़ देते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण जब कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तब तब उसका नाश करने मैं जन्म लेता हूं, इस मैं का भी यही अर्थ है कि तब कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो आत्मा को तत्व से जानकर अपनी ईश्वरीय वाणी से लोगों का उद्धार करता है। श्री कृष्ण के मैं में बुद्ध, महावीर, राम, ईसा मसीह, नानक और कबीर सब समाहित हैं और कृष्ण की इच्छा हमको और आपको भी उसमें शामिल करने की है। श्री कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार को सरल और स्पष्ट शब्दों में बतला दिया है। आत्म साक्षात्कार का एक अद्भुत मार्ग है कार्य के फल की इच्छा का त्याग। इसी धुरी पर घूमते हैं गीता के सारे उद्देश्य। कार्य के फल की इच्छा का त्याग ही वो सूर्य है जिसके चारों ओर भक्ति, ज्ञान और कर्म रूपी ग्रह उपग्रह परिक्रमा करते हैं। जहां शरीर है वहां कर्म होना आवश्यक है। कोई भी देहधारी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। गीता का अर्थ यही है कि बिना फल की इच्छा किए कर्म करो, अपने समस्त कार्यों को परमात्मा को समर्पित कर दो, मन तथा बुद्धि से उसी की शरण में चले जाओ। ये निष्काम त्याग प्रवृत्ति केवल बातों से ही नहीं आ जाती और न ही ये पंडिताओं वितंडा से ही आ सकती है। वैसे पढ़े लिखे और पंडित लोगों में एक प्रकार का ज्ञान होता है, वे शास्त्रों को मौखिक रूप से सुना सकते हैं, क्योंकि इस ज्ञान के होने पर भी वे आत्म प्रशंसा आदि से घिरे हुए हैं। ज्ञान का दुरुपयोग न किया जा सके इसी के लिए गीता के ज्ञान के साथ भक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यही नहीं, भक्ति को महत्व भी अधिक दिया गया है। भक्ति का अर्थ प्रेम और करुणा से भरा ऐसा हृदय है जो सबसे डूब कर प्रेम कर सके, न कि भजन आदि बाहरी कृत्यों को करने वाला मनुष्य। बिना प्रेम वाले हृदय के ज्ञान अनुपयोगी है। इसलिए गीता में कहा गया है कि भक्ति करो, प्रेम करो, ज्ञान अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। भक्ति पूजा का बाह्य आडंबर नहीं है। गीता में जिस भक्ति को आवश्यक बताया गया है वो कोमल हृदय की कोरी भावुकता मात्र नहीं है और उसे अंधविश्वास मानना बुद्धि की दरिद्रता होगी। गीता द्वारा प्रतिपादित भक्ति का बाह्य आडंबर से कोई संबंध नहीं है। एक भक्त चाहे तो अपनी इच्छा से माला, तिलक आदि धारण कर सकता है, लेकिन ये वस्तुएं सच्ची भक्ति का प्रमाण नहीं है। जो सरलता और दया का भंडार है लेकिन फिर भी जिसमें अहंकार नहीं है, जो निस्वार्थी है, जिसके लिए शीत और ग्रीष्म समान है, जो हर्ष, विषाद और भय से विचलित नहीं होता,
जो शत्रु और मित्रों के लिए समदृष्टि रखता है, जिसे मान अपमान प्रभावित नहीं कर सकते, जो उनसे अविचलित रहता है, जिसे शांति और एकांत प्रिय है, जिसकी बुद्धि निर्मल और निष्पक्ष है, ऐसी सच्ची भक्ति ही आत्म साक्षात्कार करवा सकती है। यही गीता की ध्रुव की तरह अटल सत्य शिक्षा है। वो जो कर्म को त्याग देता है गिरता है, वो जो केवल फल का त्याग करता है उन्नत होता है। लेकिन फल त्याग का अर्थ ये नहीं है कि परिणाम के बारे में उदासीन हो जाएं। प्रत्येक कार्य के संबंध में व्यक्ति को ये अवश्य जानना चाहिए कि उससे क्या परिणाम अपेक्षित किया जा सकता है, किन साधनों से उसे प्राप्त किया जा सकता है और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें है या नहीं। वो जिसके पास पहले से इतनी जानकारी है, उसे फल के बारे में रत्ती भर मोह न करते हुए कार्य की पूर्ति के लिए संपूर्ण रीति से उसमें तल्लीन होना चाहिए। सच तो यह है कि जो फल का मोह त्याग करता है वो कार्य को पूर्ण रूप से करता है, इस कारण उसे कर्म फल सहस्र गुना अधिक प्राप्त होता है। ये साधारण विश्वास है कि धर्म भौतिक हितों से विमुख है। कोई भी व्यक्ति व्यापार में, राजनीति में धार्मिक रीति से व्यवहार नहीं कर सकता। इस प्रकार की गतिविधियों में धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म तो केवल मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। इस प्रकार की बातें कई दुनियादार, बुद्धिमान और अज्ञानी पंडित व्यक्त किया करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में इस भ्रम का पूर्ण रूप से निवारण कर दिया है। गीता में भौतिक सुखों की प्राप्ति और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में कोई भेद नहीं रखा गया है। गीता हमें यह सिखाती है कि दिन प्रतिदिन के कार्यों में जिसका व्यवहार न किया जा सके वो धर्म नहीं है। इस प्रकार गीता के अनुसार जो भी कार्य निष्काम भाव से नहीं किए जा सके वो त्याज्य है। गीता ये करो ये न करो का कोश नहीं है। जो बात एक व्यक्ति के लिए न्याय संगत है वही बात दूसरे के लिए न्याय संगत हो ये आवश्यक नहीं। जो वस्तु एक समय अथवा एक स्थान पर वांछनीय है वही वस्तु दूसरे स्थान और समय पर वर्जित भी हो सकती है। श्री कृष्ण किसी भी कार्य को अच्छा या बुरा नहीं मानते, बल्कि उस कार्य को करने के पीछे छिपे हुए भाव को महत्व देते हैं। गीता में ज्ञान की प्रशंसा के गीत गाए गए हैं, परंतु ये ज्ञान मात्र ही बुद्धि नहीं है, ये हृदय को संबोधित करता है और हृदय द्वारा ही समझा जा सकता है। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं, जो उसके ललाट पर अंकित रहते हैं, और अपने किए अनुसार ही उसे जन्म जन्मांतरों तक फल मिलते रहते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए भी अच्छी मानसिक खुराकों की आवश्यकता होती है, और भगवद गीता इस मामले में बेजोड़ है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा रोज सुबह 10-20 मिनट आंख बंद करके शांति से गीता सुने, आपका दिन और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा। प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। कृष्ण अर्जुन संवाद। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोली, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु
तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोली, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए वचनों के पश्चात महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। हे केशव, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है।
हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोली, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। द्वितीय अध्याय, सांख्य योग। कृष्ण अर्जुन संवाद। संजय बोली, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। हे अर्जुन, तुझे इस असमय ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोली, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय के मोहचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोली, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है
और न पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि ये आत्मा अच्छेद्य है। ये आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है, तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है।
इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है।
संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोली, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री कृष्ण बोली, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार से हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावना ही मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय
इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा ही जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वो शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 3, कर्म योग। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वो चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न को पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न
और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हो जाऊं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म
भय को देने वाला है। अर्जुन बोलिए। हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री कृष्ण बोली, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण बोले, मैंने इस सविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वो योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था? श्री कृष्ण बोले, हे परमतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको
उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बनता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष
द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तुम मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोली, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए।
श्री कृष्ण बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त सन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार के स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना सन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन
विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वो स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। अध्याय 6 ध्यान योग। श्री कृष्ण बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में
और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वो आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वो योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृत, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होए। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता
और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वो योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटा कर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वो योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं, क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। अर्जुन बोलिए, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य
दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे गुरुनंदन, उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं।
और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वो मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं।
अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन बोलिए। हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? श्री कृष्ण बोले, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है, और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। जो पुरुष अनंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उस उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है वो भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदयेश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में
उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वो परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सब का निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्यम योग। श्री कृष्ण बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही
मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, और सत असत भी मैं ही हूं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजन अविधि पूर्वक
अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। अध्याय 10 विभूति योग। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर
श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। अर्जुन बोली, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं तथा मैं 49 वायु देवताओं का और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में साम वेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूं। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। मैं दैत्यों में प्रह्लाद और गणना करने वालों का समय हूं तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं।
मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूं तथा मछलियों में मगर हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। मैं अक्षरों में अकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूं तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूं तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को, आठ वसुओं को, एकादश रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हूं सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय बोली, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने
इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वो भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परमाश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 है रुद्र और 12 है आदित्य तथा 8 वसु, 7 गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता और सुख भी नहीं पाता हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वो कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाहों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं,
वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री कृष्ण बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को हो। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोली। केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले, हे अंतर्यामिन, ये योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अतिहर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वो सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भलीभांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके
स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विश्व रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूल भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय बोली, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोली, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। श्री कृष्ण बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, ये सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। अध्याय 12, भक्ति योग। अर्जुन बोली, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके वचन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? श्री कृष्ण बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझमें अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन,
उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वो भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वो सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वो स्थिर बुद्धि भक्तमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वो ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वो क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, 1 मन
और पांच इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वो अज्ञान है, ऐसा कहा है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूंगा, वो अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही, वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है, वो चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है और वो सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है, वो परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वो जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूपों से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है, वो परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है, वो परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, वही साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को
और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब को तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। हे अर्जुन, सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है, वो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वो इस जीवात्मा को
कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वो इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढक कर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब ये मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोलिए, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतता है, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है,
वो पुरुष गुणातीत कहा जाता है, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वो भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते। उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ये जीवात्मा क्षोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं, और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर
संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है,
वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दम, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये हो जाएगा। वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वो परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन बोली, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? श्री कृष्ण बोले, मनुष्यों की वो शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तुम मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त
एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वो भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वो अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वो दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वो दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वो दान तामस कहा गया है। ओम तत् सत्। ऐसे ये तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं
कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत्, इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वो भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वो समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वो न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन बोलिए। हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले। कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वो तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वो सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, वो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तो मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही पांचवा हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण
उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वो मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वो पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तो मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वो तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वो सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वो कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वो तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वो सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वो राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है, वो तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वो बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वो बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वो बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो धृति सात्विकी है। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वो धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन।
जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वो परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वो सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वो निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता तेज धैर्य चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी
मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोली, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोली, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त
रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है।